आ चुका हूँ मैं, बट ये काफ़ी जो एक डिफरेंट टाइप का गाना है जिसमें मैं आया हूँ, इसमें हर टाइप का बहुत अच्छा काम किया रणवीर राजपूत जो डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया लीन्स क्वींस एंटरटेनमेंट म्यूज़िक लेबल और जो प्रोड्यूसर हैं इनके, और जितने भी तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, डीओपी हैं अनीस और आकृति ने बहुत अच्छा काम किया लीड में, और साथ में वो एक बहुत अच्छा स्टोरी एंगल चल रहा है जिसकी बुनियाद पे जो गाने की बुनियाद पे बहुत खरा उतरा है गाना, जो कहना चाह रहा है, जो मैसेज देना चाह रहा है, जो बात कह रहा है कि तेरे जैसा देखा कोई आज तक बेगैरत नहीं, तो वो एक्सप्रेशंस भी लाजमी निकल के आए हैं और बहुत बखूबी निभाया है किरदार सब लोगों ने। कहाँ पे शूट हुआ था गाना, काफी अच्छा लग रहा है। ये शूट मड में ही हुआ था, यहाँ पे एक बंगलो में हुआ था और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया है लोकेशंस का, अंदर इंडोर भी था, बंगलों के बाहर भी था, और जो मेरे वाला एक फायर सीक्वेंस आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा इन्होंने आर्ट डिज़ाइन किया था, मशालें लगी हुई हैं और एक बीच में चेयर है, कुर्सी बनाई हुई है अच्छे से लकड़ी की, और उस पर आप डांसर्स हैं, तो बहुत अच्छा कंसीव किया है, आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा और कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, तो ऑल इन ऑल आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, सुनने में बहुत मज़ा आएगा, और जैसे कि वीडियो रिलीज़ होने से पहले ही काफ़ी चर्चा में है गाना, ट्रेंड कर रहा है स्पॉटिफाई में, प्लेलिस्ट में शामिल हो चुका है, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, और मैं चाहता हूँ कि आज जब म्यूज़िक वीडियो निकला है, रिलीज़ हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, शेयर करें, और उसको जल्द से जल्द जो है वो 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन तक पहुँचाएँ शुरुआत के तौर पर, फिर तो बाद में और ज़्यादा होना चाहिए। मेरे सर सिंगल्स काफ़ी आ रहे हैं, और ये साल पिछले साल भी बहुत सारे सिंगल्स निकले मेरे, 12-15 सिंगल्स थे, और गुमराह फिल्म में गाना था अल्लाह दे बंदे, आदित्य राव कपूर की जो फिल्म थी, ये साल काफ़ी सिंगल्स हैं और फिल्म के भी सॉन्ग्स हैं, वेब सीरीज़ के भी सॉन्ग्स हैं, अभी एक सिंगल और आप वैलेंटाइंस डे के आसपास सुनेंगे मेरा, तो ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा गाना ये जो है गानों से आगाज़ हुआ है इस साल का, इस साल में अभी मेरा फ़िलहाल चौथा गाना है शायद इस साल का, और एक ही महीना हुआ है इस साल का, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया अभी तक, आप सब लोगों ने जितनी अप्रिसिएशन और जितना आप मेरे गानों को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं और उस पर रील्स बनाते हैं, शेयर करते हैं, वैसे ही कीजिए, और बहुत अच्छा लगा कि आज इतने लोग, हम लोग यहाँ पर करीब 5 घंटे से हैं, और बहुत लोगों का जो उत्साह है, जो जोश है, वो कम नहीं हो रहा है, जितने जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं उतनी तादाद में लोग टिके भी हुए हैं, रुके भी हुए हैं, अभी भी पूरा हॉल भरा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है गाने की इतनी अच्छी रिसेप्शन हुई है, इतना अच्छा गाने को एक फीडबैक मिला है, तो आप प्लीज़ गाने को सुनिए बेगैरत, यूट्यूब पर भी आज उसकी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो चुकी है और सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो रहा है, तो प्लीज़ सुनिए। एक एक का जो मकसद है या एक एक का जो विज़न है वो किसी एक सेक्टर में, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, किसी एक सेक्टर में काम करने का नहीं है। एक एक का विज़न, एक एक का टारगेट यही है कि हम हर एक सेक्टर में काम करें, तो उसी कड़ी में जब हम काम करते हुए आगे बढ़े तो उसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री भी है और हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं। और भी गाने आ चुके हैं आपके? जी हाँ, और गाने हमारे आ चुके हैं, 4 या 5 गाने हमारे शायद आ चुके हैं, और इसके बाद 27 या 28 तारीख को हमारा एक गाना और आ रहा है। तो फिल्मों का भी कुछ प्रोडक्शन का भी सोचा है आपने? अभी नहीं सर, अभी सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में सोचा गया, अभी प्रोडक्शन के लिए आने वाले समय में उस पर भी प्लान होगा, बात होगा। अच्छा, वो जो बोला कि शिक्षा भी आप मुफ्त मुहैया करा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कैसे कर रहे हैं? सर, शिक्षा मुफ्त मुहैया कराने का जो उद्देश्य है सर, अभी भी हमारे यहाँ जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा ट्यूशन नहीं मिल पाता है, और बहुत सारे हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हैं जो कोचिंग और ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को, चाहे जिनके पास संसाधन का अभाव हो या फिर पैसे का अभाव हो, एक ही एजुकेशन उनको अपनी फ्री शिक्षा के जरिए हम देश के बेहतरीन और सबसे अच्छे टीचरों के जरिए फ्री में एजुकेशन मुहैया कराएंगे। आपकी जो टैगलाइन है वो ही बहुत अच्छी है, एके है तो ओके है। जी सर, ये कैसे सोचा आपने? एके है तो ओके है, ये टैगलाइन मेरा दिया हुआ नहीं है, मेरे कुछ साथियों का, मेरे साथ
काम कर रहे लोगों का है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 35,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। चलिए, बधाई हो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी आपको। जी, आपने हमारी टीम देखी ना, ऐसी ताबड़ तोड़े, बिल्कुल है ना, आपने टीम देखी है, सब लोगों ने हमारी किसी ताबड़ तोड़ा है। और भाई सबसे ज़्यादा एंकर से करेंगे तो एंकर देख रहे हो ना आप, सब लोगों ने देखा ही है और सबके बारे में बता भी दिया है एंकर ने, लेकिन हमारे एक्टर्स जो हैं तो उनके काम आप सब लोगों ने देखे ही हैं, क्या बेहतरीन तरीके से काम किया है, उसके लिए अवार्ड भी मिला, इसीलिए मिला है, नहीं वैसे नहीं देते हम, पूरी मेहनत कर रहे थे ये लोग, तब देख लिया तो दे दिया, सही ना, आकर देख काम किया ना, बिल्कुल बिल्कुल, पेमेंट भी सबसे ज़्यादा जो भी है सच है वो सबसे ज़्यादा लिया लड़की ने पेमेंट, नहीं 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 लिया, बात की बात है। अच्छा, नहीं काम भी बहुत अच्छा किया सच में, वो मजाक की बात है कि आप पेमेंट देना, लेकिन पेमेंट तो अलग ही हो जाती है, पेमेंट से कोई नहीं आता, लेकिन क्या है कि दिल से लड़की ने काम किया है, बहुत प्यारा किया है, एंड थैंक यू सो मच आकृति, वैसे जो चीज़ मेरे को चाहिए थी एंड डायरेक्शन तो आपने सब कुछ दिया एक्टिंग, और मेरे अनीस भाई यस जो एक्टर भाई क्या ताबड़तोड़ किया है, रोमांस छोड़ के पता नहीं क्या डर था उनको अलग चीज़ों का, रोमांस पे पता नहीं सॉफ्टवेयर ही काट कर रखा अपने अंदर से उन्होंने, एक्शन हीरो एक्शन हीरो बहुत ताबड़तोड़ जो है एक्सप्रेशन दिए हैं बड़ा, अभी क्या बोलूँ, सारे वर्ड खत्म हो गए मेरे, हमारे हिमांशु सर के बारे में तो आप सब लोगों ने जाना ही है, अभी क्या किया उन्होंने काम, लाजवाब है, बेहतरीन तरीके से जो मतलब दुनिया के लिए वो कर रहे हैं ना, पब्लिक के लिए, भाई आप आकृति के लिए जो कह रहे थे ना कि पेमेंट लिया है इन्होंने, सुशारा पेमेंट दिया भाई, कमा के भी यही देंगे कम से कम, क्या बात, कम से कम 1,000 करोड़ लीन्स के लिए बोल, कम से कम 1,000 करोड़ का बिजनेस करेगा ये वाला गाना, गारंटी ले लो, लिख के ले लो, और लीन्स में जो को सब्सक्राइब करवाना है, पुनीत सुपरस्टार ने जो बोल दिया ना वो होता है, जो मैं बोल देता हूँ ना वो होता जरूर है, पूरी दुनिया को मालूम है, पुनीत सुपरस्टार ने बोल दिया ना, चैनल लेना है लीन्स का नाम, अरे भाई क्या लीन्स 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 लगा रखा है, जाके यार सब्सक्राइब कर लो लीन्स म्यूजिक एंटरटेनमेंट को, और उसमें जो है बेगरत सुना रहा है, फटाफट आग लगा दो जाके, और 1,000 करोड़ का सॉन्ग है ये, ध्यान रखना, या बजा दो तालियां। प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने भी देखा है, और प्रोजेक्ट हमारी टीम ने भी बहुत मेहनत करके बहुत परिश्रम के साथ इस गाने को तैयार किया है, लेकिन एक आर्टिस्ट एक एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर हमारा यही है राय, हमारा एक है कि भाई पब्लिक को ये पसंद आना चाहिए, और अब देखते हैं पब्लिक को कितना पसंद आता है, फिलहाल हमारी पूरी टीम ने बहुत ही कड़ी मेहनत की, जिसके लिए उन सभी को बधाई, और बाकी देखते हैं ऑडियंस, बहुत लोगों की मेहनत है, सब लोगों की मेहनत है, और हिमांशु जी का तहे दिल से शुक्रिया है, क्योंकि उन्होंने ये एक मंच दिया, रणवीर के साथ कोलैबोरेशन हुई, और रणवीर ने बहुत अच्छे से संचालन किया है पूरी चीज़ों का, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक का डिपार्टमेंट हो, शबाब भाई जो कंपोज़र हैं, अराफात भाई जिन्होंने बहुत बखूबी लिखा है, और सारे जितने भी ये दीपक भाई हैं जो सिगरेट का छल्ला बना के जो इन्होंने स्माइल दी है, बहुत कमाल, अनीस आकृति मैं कहता ही आ रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसा कुछ लगा नहीं है कि बहुत किसी ने भी कच्चा काम किया है, तो बहुत पक्का काम, बहुत मेहनत लगी है, बहुत खून पसीना लगा है, एक दिन में शूट किया है अनीस बता रहा था, और मैं तो मेरा थोड़ा हाफ डे के बाद था शूट, तो मैं ये, लेकिन ये लोग सुबह से लगे हुए थे, तो कितनी बड़ी मेहनत का ये मुजाहरा है कि आप सुबह से लगे हुए हैं, 12 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 15-16-18 घंटे की शिफ्ट हुई थी उस दिन, और हम लोग रात को 2-3 बजे वहाँ से फ्री हुए थे, मेरा ही घंटे करीब गया था, तो हम लोगों की सबकी वो मेहनत जो है वो रंग लाएगी मुझे यकीन है, और सब लोगों की आपकी दुआएं हैं तो यकीनन वो होना चाहिए, और सब लोगों का जैसे हिमांशु सर ने कहा कि पब्लिक का साथ, अब सबसे ज़्यादा हम सब ने अपनी जो है हिस्सा, मेहनत का जो हिस्सा है, हिस्से की जो मेहनत है वो कर दी है, वो उसमें जान छोक दी है, पब्लिक के हाथ में है कि उस गाने को 100 मिलियन 1,000 मिलियन 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ क्या बोलते हैं आकृति और अनीस और हम सब लोग लेके जाएंगे, जरूर सभा भाई म्यूजिक दिया सभा भाई, ये देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी ने दिल से मेहनत की है और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, और बहुत अच्छा काम हुआ है, और ख़ास करके लीन्स म्यूज़िक और हमारे अनीस भाई और आकृति और रणवीर भाई ने बहुत ज़्यादा इन सभी का सपोर्ट मिला, और उसके बाद हिमांशु भाई का, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अब आप लोगों की बस थोड़ी मोहब्बत चाहिए, सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि उसको देखें, शेयर करें, और दिल से दुआ हम सबको चाहिए वो देते रहें। मैं तो खैर इतनी देर से बोल रही हूँ, बट आई वुड से ऑफ कोर्स रवि ने इन सबको एक स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इनसे शुरुआत होती है वीडियो की, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है स्क्रीन पे, एंड इवन शी डिड अ ग्रेट जॉब,
इन दोनों ने ऑफकोर्स बहुत अच्छा काम किया और आकृति इतने सारे फ्रेंड्स आए इनकी वजह से, इतने सारे स्टार पुनीत सर और जोगिंदर सर यहाँ पे आए, एंड आई वुड से कि इट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस। हिमांशु सर जिसने इसमें इस प्लेटफॉर्म को खड़े करने में अपना पीछे से सपोर्ट दिया है, इट्स अमेजिंग। और ऑफकोर्स अमन जिन्होंने इतने सुपर हिट सॉन्ग्स गाए हैं। लिरिक्स आज की डेट में किसी को लिरिक्स याद नहीं होते, बट अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो इसके लिरिक्स इतने कैची हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको वो लिरिक्स याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है लिरिक्स की, अभी मैं बार बता रहा था इनको कि उर्दू इस्तेमाल हुई है, कि बेगैरत जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है। अब बहुत कम लोगों को जो है उर्दू का सलीका है या उसकी जानकारी है, बट वो उसी गाने में अंतरे में शनिचर को मिलके संडे को भूले अलग टाइप की बेवफा, तो आजकल के लोग जो जेंजी है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और क्योंकि हर किसी ना किसी ने, जिसने भी प्यार मोहब्बत इश्क की बीमारी मोल ली है, उनको ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस करने को मिला है, तो ये चीज़ जो रिलेटिविटी एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा गाने के साथ एक पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट है और वो गाने को बहुत अच्छे जगह पर लेके जाएंगे। सर आप क्या कहेंगे गाने? और जो लिरिक्स जो किए, लिरिक्स बहुत बढ़िया है एंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, और जो एक्टर लोग जो काम किया है, जो लड़की है लड़का है दोनों ने, उनका काम बहुत बेहतरीन लगा हमें और बहुत अच्छा लगा गाना सुन के और गाना देख के। पहले हमने गाना सुना था लेकिन आज हमने देख लिया, बहुत बढ़िया गाना बना है। बस ऑडियंस का प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। बाकी थैंक यू। थैंक यू।